Ooh, fantastic. What a beauty. क्या बात है? लाजवाब है। चलती क्या है? ऐसा लगता है जमीन बने हवा में तैर रही हो। नया मॉडल लगता है, कंडीशन भी A1 है। वाकई बहुत अच्छी कंडीशन है। वाह, रंग कैसा लगा तुम्हें? दिल चाहता है इस रंग में कभी भंग ना पड़े। बड़ी संभाल के चलाने वाली चीज है। बहुत संभाल के। ये बॉडी तो कमाल की है यार, शेप देखा इसका? वही तो देख रहा हूँ बबुआ। एक बात है लेकिन, महंगी बड़ी होगी। अनमोल। मगर ये कि भाई कभी बिगड़ने वाली चीज नहीं है, और अगर मिल जाए तो जिंदगी भर के लिए आराम हो जाए। इसमें क्या शक है, बहुत आराम हो जाए। जब एंटर हुई थी तो देखा था? हाँ, कोई फॉरेन कार में आई थी। हैं? फॉरेन कार में आई थी? हाँ। कौन आई थी भाई? जो कार में आई थी वो अमा कमाल करते हो यार। मैं इतनी देर से कार की बात कर रहा हूँ और तुम ये बेकार की बातें कर रहे हो। ये बेकार की बात है? तुम्हारे दिल में सीना नहीं, पत्थर है, पत्थर। अबे दिल में सीना नहीं, सीने में दिल होता है। एक ही बात है, क्या फर्क पड़ता है? मैं कौन सा ऑपरेशन करने वाला था? तुम तो हर बात का एक लीगल पॉइंट निकाल लेते। कुछ नहीं, मन है, पूरी रकम चाहिए आज। सेठ जी, मुझे थोड़ी सी मोहलत और दे दीजिए, मैं आपका पूरा पैसा चुका दूंगी। देखो मैडम, मैं उधार देने का धंधा करता हूँ, मोहलत देने का नहीं। मोहलत चाहिए तो कोई दूसरा साहूकार ढूंढ लो। मैंने तो हमारी रकम और 3% ब्याज दे दो। देखिए, आपका पैसा आपको मिल जाएगा, मैं आपको जबान देती हूँ। मारे पास मारी जबान है और बहुत बढ़िया काम देती है। थारी एक्स्ट्रा जबान लेके क्या करूँगा? मैंने तो हमारी रकम चाहिए, थारी जबान नहीं। अच्छा ठहरिए, कितना पैसा है आपका? ब्याज पकड़ के 30,000 होता है। 30,000? देखिए, वो सामने मेरी गाड़ी खड़ी है, वो तो 30,000 से कहीं ज्यादा की ही है। मेरे पास इस वक्त पैसे नहीं है, आप अपने 30,000 के बदले में मेरी गाड़ी ले लीजिए। ये गाड़ी कम से कम 1,00,000 की होगी। नहीं नहीं नहीं, या तो खोटो धंधो है, थारी गाड़ी है तू ही बेच, मैंने तो हमारी रकम दे दे। ठीक है, मैं बेच दूंगी, लेकिन सेठ, मोटर गाड़ी और सब्जी तरकारी में कुछ तो फर्क होता है। ये इतनी सड़क पर खड़े खड़े तो नहीं बेची जा सकती, इसे बेचने के लिए मुझे 2-4 दिन की मोहलत। नहीं 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 नहीं, मोहलत तो हमारे पास आउट ऑफ स्टॉक है। आज या तो मैंने हमारी रकम मिलेगी या तू जेल जाएगी। बहुत अफसोस की बात है। बहुत अफसोस की बात है सेठ जी। बहुत अच्छे, ये तो वही बात हुई, वो क्या कहे है ना, कि तू कौन कह मैं खा मखा। अरे जाओ भाई जाओ, धंधे की बात करने दो। हम भी धंधे की बात करने आए हैं सेठ जी, अगर आप इजाजत दें तो। जी, आप लोग हैं कौन और चाहते क्या हैं? हमें आप अपना दोस्त, अपना हमदर्द समझिए। क्या 2 मिनट के लिए हम लोग यहाँ बैठ सकते हैं? बैठिए। जी शुक्रिया। हाँ तो सेठ जी, आपके कितने पैसे इनको वापस करने हैं? वाह राजा हरिश्चंद्र, ऐसे पूछ रहे हो जैसे मालूम पड़ते ही नोट टेबल पे रख दोगे। अरे वाह, नोट भी असली है। जी, मैं तो आप लोगों को जानती नहीं, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मेरा नाम रवि है, ये विजय। हम दोनों भाई पास की टेबल पर बैठे थे, और जिस तरह से ये सेठ जी आपको धमकियां दे रहे थे, हमसे सुना नहीं गया। आप कर्ज उतारने के लिए कार बेचने को तैयार हैं, हम आपकी मदद करने के लिए कार खरीदने को तैयार हैं। I see. सिर्फ आपकी मदद के लिए, वरना हमें इस कार की कोई जरूरत नहीं और ना ही हमें कोई शौक। वाह भाई वाह, पुष्पा जी, कौन कहता है दुनिया में इंसानियत नहीं है? कितने है भाई? पूरे 30,000। पूरे 30? पूरे ही होंगे, अब तुम कहते हो तो गिन लेता हूँ। आप लोगों ने ये कार खरीदकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। देखिए, अब शर्मिंदा कर रही हैं आप हमें, इसमें क्या बात है? आखिर इंसान ही इंसान के काम आता है। गाड़ी की चाबी ये लीजिए। कितना अजीब इत्तेफाक है कि आप लोगों से इस तरह मुलाकात हुई, और मुझे तो लगता है कि भगवान ने आप दोनों को मेरी मदद के लिए ही भेजा है। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हम खुद ही आ गए। और गाड़ी के कागजात? वो आप मेरे घर आके ले लीजिएगा। हाँ। ये रहा मेरा कार्ड। पुष्पा भार्गव जी, मेरा नाम है।
बहुत सुंदर नाम है। पूरे 30,000 बेकार गिनवाए, मैं तो पहले ही कह रहा था। आपके पैसे मिल गए? बिल्कुल मिल गए, आइंदा पैसे की जरूरत हो तो सेठ जी मरा नहीं है, बस हुक्म करना। आप लोग भी मेरा कार्ड रखो। ठीक है, अब आप जा सकते हैं। थैंक यू मिस्टर रवि। मैं जाने से पहले आप लोगों का फिर से शुक्रिया अदा कर दूं, लेकिन एक बात जरूर है, कार में बैठते ही आपको इतना अंदाजा हो जाएगा कि आपने कोई घाटे का सौदा नहीं किया। मैं कल सुबह चाय पर आप दोनों का इंतजार करूंगी। बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय बाय। लड़की बहुत स्मार्ट है। लड़की तो स्मार्ट है, लेकिन गाड़ी भी बुरी नहीं है। क्या पिकअप है गाड़ी का, जरा सा एक्सेलेटर दबाया हवा से बातें करने लग जाती है। हवा से बातें करने लगती? क्या बातें करने लगती है, मैंने तो नहीं सुनी। हमा यार ऐसा कहते हैं, ये मुहावरा है। और ये सायरन है, ये कर रही है पुलिस हवा से बातें। पता नहीं आज कौन बेचारा फंस रहा है। चलाओ बाहर आओ। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, हम तो बड़े आराम से चला रहे थे। मैंने कहा बाहर निकलो। मगर बात क्या है इंस्पेक्टर साहब? बात यह है कि ये गाड़ी चुराने के इल्जाम में तुम दोनों गिरफ्तार किए जा रहे हो, समझे? अरे मगर ये गाड़ी पुष्पा भार्गव ने खुद हमें दी है। बकवास बंद करो, ये गाड़ी किसी पुष्पा भार्गव की नहीं है। इसके मालिक का नाम है मानिकलाल मेहता और यह आज सुबह ही चोरी हुई है। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, हमने तो ये अभी 30,000 रुपए नकद देके खरीदी। अच्छा खरीदी है, थाने चलो, इसकी रसीद हम तुम्हें देंगे। सुनो रवि, बोलो विजय, कुछ समझे? लड़की हमें चूना लगा गई। समझा। गाड़ी उसकी नहीं थी। समझा। पुष्पा भार्गव ये नाम भी उसका नहीं हो सकता। समझा। इस वक्त वो आदमी और वो लड़की कहीं बैठे 15,000 बांट रहे होंगे। समझा। और हम दोनों 30,000 गवा के यहां हवालात में बैठे हैं। समझा। क्या समझे? ये कि यहां से निकलकर अब उनसे समझना है। यहां से कभी ना कभी तो छूटेंगे ही, लेकिन उन्हें ढूंढेंगे कैसे? एक ही आदमी है जो उनका पता लगा सकता है, अब्दुल।